मैं आपको ऑगस्ट कॉम्टे का लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस यानी तीन स्तर का नियम ये बताने जा रही हूँ। देखिए, समझाने का मेरा एक मोटिव ये है, आप लोग जब किताब को उठाएंगे, किताब की लैंग्वेज जब हम पढ़ लेते हैं, बी अ सिंपल ह्यूमन बीइंग, हमें एकदम से समझ में नहीं आता। अगर वो कॉमिक होती या फिर कोई इंटरेस्टिंग मैगजीन होती महिलाओं की, जैसे सखी आती है, तो हम इजीली उसको चटपटी भाषा, मसालेदार, लिपटी चिपटी पढ़ लेते हैं और वो हमारे एकदम से समझ में आ जाती। ये है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जब हम उठाते हैं और पढ़ते हैं कि ऑगस्ट कॉम्टे ने तीन स्तर का नियम क्या वो हम समझ नहीं पाते। कई बार क्या होता है कि जब हम क्लास में लेक्चर सुनते हैं, खुद मैं भी तुम्हारे साथ, जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो हम इजिली उसको पढ़ भी पाते हैं, समझ भी पाते हैं और डिफाइन भी कर पाते हैं। तो मेरा मेन मोटिव तुम्हें समझाने का यही रहता है कि इजिली आप किसी चीज को गेट, मतलब जल्दी से अर्न कर पाए, जल्दी से समझ पाए। तीन स्तर का नियम, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस इन्होंने क्यों दिया और कहां से आया? देखिए, ऑगस्ट कॉम्टे ने जब 24 साल के थे, 1822 में ये सिद्धांत दिया था, 1822 में, लगभग इनकी उम्र कितनी थी? 24 साल के आसपास। तब उन्होंने ये सिद्धांत दिया, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। ऑगस्ट कॉम्टे का मानना था जो मनुष्य के बौद्धिक चिंतन का विकास होता है, किताब की लैंग्वेज सुनो मेरी बात, ये लाइन, मनुष्य के बौद्धिक चिंतन का विकास, अब मेरे शब्दों में, हम जब सोचते हैं ना, जब हम किसी की चीज के बारे में ऐसे करके सोचते हैं कि क्या है, तो हमारा उसको तीन स्तरों से होकर गुजरता है, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सटीक बैठता है अगर हम खुद आत्मीकृत करें, खुद अपने आप को ऑब्जर्व करें। लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस क्या था? ऑगस्ट कॉम्टे कहते हैं, मनुष्य जब बौद्धिक चिंतन करता है, बौद्धिक चिंतन कहते हैं जब गहनता से किसी चीज के बारे में सोचता है, तो उसका जो ज्ञान होता है वो स्टेप बाय स्टेप तीन स्तरों से होकर गुजरता है। वो स्टेप क्या है? पहला है धार्मिक स्तर, थियोलॉजिकल स्टेज इन्होंने बोला है, थियोलॉजिकल स्टेज धार्मिक स्तर। दूसरा सात्विक, मेटाफिजिकल स्टेज सात्विक स्तर। और थर्ड है प्रत्यक्षवादी स्तर यानी पॉजिटिविज्म स्टेज। फिर से रिपीट कर रही हूं, ऑगस्ट कॉम्टे कहते हैं मनुष्य जब सोचता है, बौद्धिक चिंतन जो होता है उसका तीन स्तरों से होकर गुजरता है मनुष्य। फिर अपने भाषा में बताती हूँ, मनुष्य जब किसी भी चीज के बारे में सोचता है, क्या वस्तु, प्राणी, कोई घटना, तो उसको जो उसका दिमाग होता है कहीं ना कहीं तीन स्तरों से होकर गुजरता है। पहला है धार्मिक स्तर, दूसरा है तात्विक स्तर और तीसरा है प्रत्यक्षवादी स्तर। इसे कहते हैं थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज एंड पॉजिटिविस्ट स्टेज। देखिए, पहली धार्मिक स्तर, प्रारंभ में जब मनुष्य जंगलों में रहता था, समूह में रहता था, किसी प्रकार की पुलिस प्रशासन, न्यायालय, जेल और धार्मिक आर्थिक संस्थाएं कुछ नहीं था, तो मनुष्य क्या था, जब बिजली कड़कड़ाती थी तो डरने लगता था, अरे आंधी तूफान चलते थे तो वो घबराने लगता था, ये क्या होने लगा है, उसे समझ में नहीं आता है कि वास्तव में चल क्या रहा है। मनुष्य कड़कड़ाती बिजली, आंधी, तूफान, इन सब से डरने लगा और कहीं ना कहीं उनकी अभिव्यक्ति, डर की अभिव्यक्ति देवी देवताओं के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई ईश्वरीय अद्भुत शक्ति है, कोई अलौकिक शक्ति है। ठीक है, कई बार जनरली आप देखें जो आंधी तूफान आते हैं, बिजली आती है, भूकंप आता है, क्षणिक भर का होता है, क्षणिक मतलब आया और चला गया। ठीक है, जिस बीच आया हम डरे, प्रारंभ में जो मनुष्य था, जब वो चीजें घटनाएं घटित होती थी मनुष्य डरता था, फिर वो कहता था हे प्रभु बचा ले, तूने कुछ कराया। फिर जब वो आराधना या इस तरह से अपनी अभिव्यक्ति करते थे तो वो सब शांत हो जाते थे, तो उन्हें लगता था पक्का इसके पीछे कुछ ईश्वरीय शक्ति है। ईश्वरीय शक्ति, अलौकिक शक्ति को मानते हुए वो डरने लग गया और वहीं से धर्म का उदय हुआ, देवी देवताओं का उदय हुआ, जब वो डरने लगा। धार्मिक स्तर को पुनः ऑगस्ट कॉम्टे ने तीन भागों में बांटा, इसको भी मैं बताऊंगी। जीवित सत्तावाद, बहुदेवत्वाद और
अद्वैतवाद, तीसरा है अद्वैतवाद, पहला जीवित सत्तावाद, दूसरा बहुदेवत्वाद, तीसरा अद्वैतवाद। देखिए धार्मिक स्टेज फिर से रिपीट कर रही हूं, मनुष्य किन्हीं चीजों के लिए, घटनाओं के लिए ईश्वरीय शक्तियों को मानने लगा, वो मानने लगा इसमें देवी देवता है। जो पहला स्टेज आया जीवित सत्तावाद, जीवित सत्तावाद कहते हैं कि वो हर चीज में जीवन मानने लगा, पेड़ पौधे पशु पक्षी पत्थर वो सब में मानता था कि इसमें ईश्वर है, पेड़ पौधे में भी है, पशु पक्षी में भी है, जानवरों में भी है, पत्थरों में भी है, उस सब चीज को जीवित, इसके पीछे कुछ अलौकिक शक्ति है। वो मानने लगा कि जो हमारे जीवित सत्तावाद, जीवित मतलब किसे कहते हैं, जिसके अंदर जीवन हो, जीवित तो उसे ही बोला जाता है जिसके अंदर जीवन हो, तो वो मानता था कि जिसके अंदर जीवित है, जीवित सत्तावाद, कि किसी ना किसी के कारण इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति है, वो उसके सामने नतमस्तक होने लगा अलौकिक। अब तुम कहोगे मैडम पत्थर, पत्थर तो जहां पड़ा रहे वहां पड़ा रहे, लेकिन कई बार जब हम पत्थर स्लोप पे होता है, कुछ भी हलचल बारिश हुई तो पत्थर क्या करते हैं, गिरने लगते हैं, भूस्खलन लैंडस्लाइड तुमने देखा ही होगा, तो वो सोचने लगा इन पत्थरों के पीछे भी बड़े बड़े जो चट्टाने होती है कि कोई जीवित सत्तावत अलौकिक शक्ति है, उनके पीछे नतमस्तक होने लगा। बैल की पूजा, गाय की पूजा, पशु पक्षियों को, गाय को नतमस्तक होने लगा। इसी प्रकार जब हम शिवलिंग की बात करते हैं या पत्थरों से बने देवी देवताओं की आकृतियों की बात करते हैं, वो उनके जन्मदाता हम और हम मनुष्य ही हैं, हमने ही उनको जन्म दिया है और हम उनके पीछे इसी कारण से, किसके कारण से, जीवित सत्तावाद, नतमस्तक होने लगे, उनको मानने लगे, उनको पूजने लगे कि उनके पीछे कोई अलौकिक शक्ति छिपी हुई है। आया समझ में जीवित सत्तावाद। फिर आया ना बहुदेवत्ववाद, बहुदेवत्व बहुत सारे देवता, बहु का मतलब होता है बहुत सारे, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, जब उन्होंने बहुदेवत्ववाद की बात की कांटे ने, उन्होंने कहा है धार्मिक स्तर का दूसरा जो उपस्तर है वो है बहुदेवत्ववाद का, कि आज हम कहते हैं हिंदू में कितने करोड़, 33 करोड़ देवी देवताएं हैं ऐसा माना जाता है, और वास्तव में है, मानते हैं लोग कुल देवता उपकुल देवता, ये जाति ये देवता, इनकी पूजा वास्तव में होती है। और यहीं से बहुदेवत्ववाद, मनुष्य ने अलग अलग चीजों में अलग अलग अलौकिक शक्ति को माना, पशु में अलग, पक्षियों में अलग। हम देखते हैं कि कुछ पशु पक्षी जैसे गायें हैं, कुबड़ वाला, प्राचीन काल में सिंधु घाटी की सभ्यता में कुबड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी, गाय को अघन्या नमारे माना जाता था, यानी पूजनीय योग्य पूजा की जाती थी। और आगे मैं तुम्हें दुर्खीम पढ़ाऊंगी, दुर्खीम का टोटमिज्म है, टोटमवाद, वो भी इसी पर आधारित है, बहुदेवत्ववाद पे। तो कहीं ना कहीं अग्नि के अंदर शक्ति मानी गई, जल के अंदर शक्ति मानी गई, अग्नि को पूजा जाने लगा, वायु को पूजा जाने लगा, जल को पूजा जाने लगा। तो कहने का मतलब कि जब मनुष्य बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ, बहुत ज्यादा उसने देखा कि हर चीज के पीछे अलौकिक शक्ति निहित है, तब वो पूजा करने लगा, डरने लगा, और वहीं से बहुदेवत्ववाद का जन्म हुआ, यानी बहुत सारे देवताओं का जन्म हुआ, हम अलग अलग देवताओं की पूजा करने लगे अलग। आज भी तो अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, हिंदुइज्म में हम देखते हैं हम हर दिन अलग अलग देवता की, सूर्य को रविवार की, सोमवार को शिव की, मंगलवार को हनुमान जी की, देखते हैं इस तरह से हमने धर्म के भी देवताओं को अलग अलग कैटेगराइजेशन कर दिया। ठीक है, विद्या के लिए हम सरस्वती देवी की पूजा करते हैं कि ये हमें विद्या ददाती विनियम, कहते हैं ना विद्या ददाती विनियम, तो इस प्रकार बहुदेवत्ववाद का जन्म हुआ। नेक्स्ट है इसमें अद्वैतवाद। अद्वैतवाद कहते हैं कि जब बहुदेवत्ववाद से ऊपर की अवस्था, बहुत सारे देवताओं को ना मानकर सिर्फ एक देवताओं को, एक ईश्वरीय शक्ति को माना गया कि ईश्वरीय शक्ति है सबके पीछे, चाहे देवता असंख्य है लेकिन सबके पीछे जो निहित है वो क्या है, ईश्वरीय शक्ति, उसको कहा गया अद्वैतवाद। फिर से रिपीट कर रही हूं, अभी तक बहुदेवत्ववाद की बात की गई थी, बहुत सारे देवता, बहुदेवत्ववाद के बाद लास्ट जो आया वो आया अद्वैतवाद का। अद्वैतवाद का मतलब कि सबके पीछे ईश्वरीय शक्ति है, अलग अलग ना होकर, सबके पीछे है तो शक्ति कोई अलग है लेकिन एक ईश्वरीय शक्ति सभी के पीछे निहित है, इसको उन्होंने बोला अद्वैतवाद।
मनुष्य ने बौद्धिक चिंतन का जो प्रथम स्तर बताया, धार्मिक स्तर को बताया, क्योंकि अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व करें, हम भी सबसे पहले कहीं ना कहीं धर्म को आड़े लाते हैं किसी भी चीज के लिए। भगवान तूने ऐसा कर दिया, तूने मेरे नंबर कम ला दिए, मेरा सिलेक्शन हो रहा था, भगवान आपने रोक दिया क्योंकि मैंने वहां गलती कर दी थी, उसने आपका वो वाला फल आपने मुझे इसमें दे दिया। हमने प्रथम स्तर पे सोचा किसके, धार्मिक स्तर जिसे कहते हैं थियोलॉजिकल स्टेज, इसमें जीवित सत्तावाद, बहुदेवत्वाद और अद्वैतवाद। दूसरा आता है मेटाफिजिकल स्टेज, तात्विक स्तर। देखिए तात्विक स्तर में इन सब चीजों को नहीं माना जाता, वो कहते हैं ईश्वरीय शक्ति ना होके कोई अद्भुत अलौकिक शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति नहीं है। वो कहते हैं ईश्वर कुछ होता ही नहीं है, कौन मेटाफिजिकल स्टेज में कहते हैं, वो कहते हैं ईश्वर नहीं होता, हमारे जन्म मृत्यु या हर चीज के पीछे कोई अलौकिक शक्ति होती है, लेकिन वो अलौकिक शक्ति होती है, ईश्वरीय शक्ति नहीं होती है। मेटाफिजिकल स्टेज शक्ति को मानती है, अद्भुत अलौकिक शक्ति हर चीज के पीछे, हर घटना के पीछे, हर वस्तु के पीछे, कहीं ना कहीं सब वो मानती है, लेकिन वो कहते हैं प्रकृति का नियम है और ये नियम फिक्स है। प्रकृति का नियम फिक्स है कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उस व्यक्ति की मृत्यु एक ना एक दिन अवश्य होगी। मेटाफिजिकल तात्विक स्तर के लोग कहते हैं मृत्यु और जन्म का एक चक्र चलता रहता है, और वो कहते हैं जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना उसका जन्म भी दोबारा होता है। हम कहते हैं ना 84 लाख योनियां धारण करने के बाद मनुष्य को मनुष्य का शरीर मिलता है, और कहीं ना कहीं वो जन्म मृत्यु का चक्र ये है। कहते हैं ना 84 लाख योनियां हम मच्छर के रूप में कभी किसी रूप में तब धारण करने के बाद हमें अपना मनुष्य शरीर मिला है। मेटाफिजिकल स्टेज तात्विक स्तर कहता है कि वास्तव में जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है, हमने जन्म लिया फिर मृत्यु हुई, जन्म लिया फिर मृत्यु हुई। व्यक्ति जब मृत्यु होगी ना वो दोबारा जन्म अवश्य लेगा और वो इस चक्र में फंसा रहता है। किसके चक्र में? जन्म और मृत्यु के चक्र में। तो मेटाफिजिकल स्टेज तात्विक स्तर जिसे कहते हैं वो स्तर कहता है कि अलौकिक शक्ति तो है लेकिन वो ईश्वरीय शक्ति ना होकर एक अद्भुत अलौकिक शक्ति है जो कि हर चीज में होती है, हर चीज में मानते हैं, और वो कहते हैं ये प्रकृति का नियम। नेक्स्ट इसमें आती है प्रत्यक्षवादी स्तर, पॉजिटिविज्म स्टेज जिसे कहा जाता है। कल भी मैंने तुम्हें प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत पढ़ाया था ना। पॉजिटिविज्म स्टेज का मतलब मुझे तुम में से बहुत कोई बताएगा प्रत्यक्षवाद क्या है? प्रत्यक्ष यानी सामने, बिल्कुल प्रत्यक्ष से है। लेकिन अगर मैं कॉन्टे की भाषा में बात करूं तो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्य प्रणाली द्वारा सब कुछ समझना और ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। फिर से सुनना, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, इसकी व्यवस्थित कार्य प्रणाली द्वारा सब कुछ समझना और ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद। वो कहते हैं प्रत्यक्षवादी स्तर जो होता है इसको उन्होंने वैज्ञानिक स्तर बोला है। वो कहते हैं ये एक वैज्ञानिक स्तर है यानी साइंटिफिक स्टेज है। इस स्टेज में हम किसी घटना को, ईश्वरीय शक्ति को या जो घटित हो रहा है उसको नहीं मानते, उन सब घटनाओं के पीछे हम कार्य कारण संबंधों को मानते हैं। सबसे पहले उसका निरीक्षण करते हैं। मैंने अभी तुम्हें बताया प्राचीन काल में लोग कड़कड़ाती बिजली, आंधी, तूफान, भूकंप, भूस्खलन इनसे डरते थे, इनके पीछे ईश्वरीय शक्ति को मानते थे और उसके कारण धर्म का उदय हुआ, देवी देवताओं का उदय हुआ, पूजने लगे। लेकिन अगर आज मैं बात करूं, आज कहीं ना कहीं जब ये घटनाएं घटित होती हैं तो हम इसके पीछे छिपे हुए कारणों को जानने की कोशिश करते हैं कि भूकंप क्यों आया। हम तुरंत टीवी का चैनल खोल के देखते हैं, अभी अभी भूकंप पूछे लगा, भूकंप आया तो, लेकिन मैंने अपने ऊपर यकीन नहीं किया, हमने सबसे पहले टीवी पे देखा, ये देखा फेसबुक में किसी ने डाला भूकंप आया क्या, ये व्हाट्सएप में आया किसका मैसेज, या मुझे ही लगा भूकंप आया, फिर हमने कहा देखो व्हाट्सएप में भी आया भूकंप आया, फिर हमने देखा अच्छा टीवी में न्यूज चैनल वाले बता रहे हैं अभी अभी 5 मिनट पहले भूकंप आया, उसकी तीव्रता इतनी थी। और क्यों आया? ये भूकंप का जो केंद्र था वो था कश्मीर के आसपास का, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई जिसके कारण भूकंप पैदा हुआ। कहने
मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमने इस ईश्वरीय ज्ञान पे ध्यान ना देकर पहले उसके पीछे निरीक्षण परीक्षण प्रयोग और वर्गीकरण इसकी व्यवस्थित कार्य प्रणाली द्वारा जानने की कोशिश की। जब हमें पता चला अच्छा इसलिए भूकंप आया है कि वो जो वहां के प्लेट्स थी आपस में टकराई। टिहरी डैम, तुम सबने टिहरी डैम के बारे में सुना होगा, ये भूकंप के जो आने की संभावना के साथ यानी डेंजर जोन जिसे कहते हैं उसके ऊपर बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने पर्यावरण विद सुंदरलाल बहुगुणा तुमने सुना होंगे, उन्होंने काफी आंदोलन किया था कि ये ना बने क्योंकि जो टिहरी डैम बना हुआ है वो इतनी खतरनाक जोन के ऊपर बना हुआ है कि यदि खुदा ना खास्ता वहां पे भूकंप आ गया तो दिल्ली तक बाढ़ आ जाएगी, दिल्ली तक सब डूब जाएगा। इसलिए इसे एटम बम कहा गया है। टिहरी डैम को क्यों कहा गया एटम बम? क्योंकि एटम बम क्या करता है, इतना छोटा सा तुमने देखा होगा संतरे के छिलक जितना जो परमाणु वो जापान में नागासाकी में गिरा था, एक संतरे के उसका पूरा तहस नहस कर देता है, वो मल्टीपल होता जाता है उसका विस्फोट ना 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे करके मल्टीपल होके तहस नहस कर देता है। तो इसे एटम बम इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर भूकंप आ गया और डैम टूट गया और जो इसका जलाशय का एरिया है ये सारा टूट जाएगा, बह जाएगा, सारी जगह बाढ़ आ जाएगी और सब तहस नहस हो जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, आज हम जो भी घटनाएं होती हैं हम उसका लॉजिकल रूप में तथ्यात्मक रूप में सोचते हैं कि ये घटना क्यों आई, इसके पीछे कारण क्या था। अक्सर हम देखते हैं अब हमारे पास बहुत सारे अर्ली वार्निंग सिस्टम सरकार ने डेवलप कर दिया है, वेदर फोरकास्ट आ गया है, आंधी तूफान आने से पहले हमें पता चल जाता है, सरकार बता देती है कि घर में बच के रहना आंधी तूफान आएगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम जो हमारा बौद्धिक चिंतन का स्तर है, वास्तव में अगर हम तुमने भी ऑब्जर्व किया उस पूरे लेक्चर के दौरान हम धार्मिक स्तर तार्किक स्तर और प्रत्यक्षवादी स्तर इस तरह से सोचते हैं। मैंने कल जब आपको प्रत्यक्षवाद पढ़ाया था मैंने तब भी बताया था अगर कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है या बीमार होता है कहीं ना कहीं हम पहले सोचते हैं कोई ईश्वरीय शक्ति तो नहीं है, कुछ इसी कारण से तो नहीं हुआ है, या फिर हमने कई बार सोचा वहां बोला था कि हम प्रसाद चढ़ाएंगे हम सुन्नी बांधेंगे और हमने नहीं चढ़ाई, पक्का उसी का नतीजा है। तो कहीं ना कहीं थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज और पॉजिटिविज्म में लास्ट में आके हम कहीं ना कहीं हमारे जो पेंडुलम है वो पॉजिटिविज्म के आगे रुक जाता है, प्रत्यक्षवादी स्तर जिसे कहते हैं साइंटिफिक स्टेज, कि हम वैज्ञानिक तरीके से उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि सोचते हैं और वास्तव में उसी को मानते हैं। ये है ऑगस्ट कॉम्टे का लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस कहा जाता है, तीन स्तर का नियम।